एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद सहारनपुर के ब्लॉक साढ़ोली कदीम में स्थित साठोली भूड़ गांव पड़ा। लगभग 2200 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 2 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान सोनिया हैं, जो गांव को विकास के पथ पर अग्रसित कर रही है। लगभग 1372 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। गांव में लगभग 200 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी पाठशाला में लगभग 200 बच्चे अध्ययनरत हैं। इसी के साथ ही गांव में विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 40 विद्युत पोल, 3 विद्युत ट्रांसफार्मर व 56 सोलर लाइट भी लगवाए गए हैं तथा पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 55 हैंडपंप लगवाए गए हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में 2 खडंजे, 50 सीसी टाइल्स रोड, पानी निकासी के लिए नाली, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 25 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 366 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर, सीसी टाइल्स रोड व खडंजे के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान श्रीमती सोनिया चौधरी का ससुर बोल रहा हूँ। तहसील भेड़, थाना भेड़, जिला सहारनपुर। हमने अपने ग्राम पंचायत सोली बोर्ड में 367 शौचालय बनाए, 50 सीसी सड़कों का निर्माण कराया और 2 नाले एक मनरेगा से बनवाया और प्रधानों का मानदेय कम है और ग्राम पंचायत जो किस धनराशि आ रही है बहुत कम है, इसी कारण विकास कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। और 3 और इंदिरा आवास 325 बनाए गए। मैं श्रवण कुमार गुप्ता, सड़ौली बोर्ड, जिला सहारनपुर, गांव की प्रधान श्रीमती सोनिया देवी अच्छा काम विकास कार्य कराती हैं गांव में। सब खड़ंजे, RCC, सबकी शौचालय और अन्य कार्य सब उत्तम प्रकार से करवाती हैं।